शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब भारी वाहनों को शहर में नो एंट्री, एंट्री में वाहन दिखे तो होगी कार्रवाई। शहर में बढ़ते हुए अपघातों को देखते हुए माननीय पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय के आदेश अनुसार अब शहर के भीतर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात विभाग ने यह कदम उठाने की जानकारी MIDC यातायात विभाग के PI संजय जाधव ने दी है। विभाग के प्राप्त अधिसूचना के आधार पर सोमवार से सभी तरह व्यावसायिक वाहनों पर नो एंट्री के नियम लागू होंगे। नागपुर शहर व ग्रामीण विभाग के क्षेत्र में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक व रात 9:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक नो एंट्री रहेगी। इस समय नो एंट्री में वाहन चालकों ने आवागमन किया तो वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। MIDC यातायात क्षेत्र के सभी ट्रांसपोर्ट व्यावसायिकों ने नो एंट्री में अपने वाहन न लाने का आह्वान PI संजय जाधव ने किया। माननीय पुलिस आयुक्त साहब डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब यांनी नागपूर मध्ये जे अपघाताचं प्रमाण आहे हे कसं कमी करता येईल याबाबत अतिशय जागरूक आहेत, अशी अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत। त्याच्यामध्ये त्या अनुषंगाने त्याने आम्हा सर्वांना जे आदेश दिलेले आहेत त्या आदेशानुसार माननीय पोलीस उपायुक्त साहेब डॉक्टर विक्रम साळी यांनी काल आमच्या नागपूर शहरातील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्यातली आणि ठोस कारवाईबाबत एक निर्णय दिलेला आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी आदेश जारी केलेले आहेत। त्या आदेशाप्रमाणे नागपूर शहराच्या हद्दीमध्ये येणारे जड वाहतूक याबद्दल अधिसूचना काढलेली होती। त्या अधिसूचना अनुसार जी वाहनं सकाळी 6:30 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी 16 ते रात्री 21 वाजेपर्यंत हे शहरात येणार नाहीत, शहराच्या बाहेरच थांबतील, आणि जी शहरात येतील त्यावेळेला त्यांच्यावर कारवाई, रस्त्यावर जे दिसतील त्याच्यावर कारवाई करावी, अशा प्रकारे एक आदेश पारित झालेला आहे। त्या अनुषंगाने जे शहरात त्यावेळेला येतील ह्या सकाळी 6:30 ते 12 दरम्यान किंवा 16 ते 21 दरम्यान त्यांच्यावर मोटार वाहन कायदा 1988 179 अंतर्गत 500 रुपये व 184 अंतर्गत 1000 रुपये असे प्रमाणे 1500 रुपये हे दंड आकारला जाईल। त्यामुळे मी सर्व वाहतूक, जड वाहतूक ट्रान्सपोर्टर्स किंवा ह्या सर्व असोसिएशनला विनंती करतो आहे की 12 ते 4 दुपारी 12 ते 4 व रात्री 9 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंतच आपण आपले जे दैनंदिनी काम आहेत, जी ट्रकची वाहतूक आहे ती करावीत। ज्या ह्या दरम्यान कोणीही वाहतूक करू नये व प्रशासनाला सहकार्य करावं। इस आदेश से कुछ ट्रांसपोर्टर नाराज नजर आए। वाड़ी वर्धामना में ट्रांसपोर्ट हब होने के कारण बड़े बड़े ट्रक का आना जाना रहता ही है। कुछ ट्रांसपोर्ट व्यवसायिकों का कहना है कि वाड़ी और वर्धामना को नो एंट्री ना लगाए। पहले से ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय मुसीबत में चल रही है। इधर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, भाईचार और राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा, इन्होंने नो एंट्री का स्वागत किया है। MIDC वाहतूक के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय जाधव से चर्चा के दौरान शिवाजी वाहन चालक संघ के दिनेश अग्रवाल, संघर्ष लोखंडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज जो नागपुर शहर से प्रशासनिक तौर पर जो ऑर्डर दिए गए हैं कि नागपुर शहर और ग्रामीण के अंदर में जो ये नो एंट्री लगाई गई है, एक्सीडेंट को देखते हुए या जनता की सुरक्षा को देखते हुए, तो हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसमें कहीं कहीं ट्रक चालक मालक को भी ध्यान से काम करना चाहिए और एक्सीडेंट को रोकने से पहले सबको ध्यान में बचाना चाहिए। सब नागरिक का फर्ज और कर्तव्य होता है अपनी सुरक्षित रोड पर चले। लेकिन अभी हमने जो भी देखा है अपने महिंद्रा के अंदर में जो ट्रैक्टर की साइड लोडिंग गलत की जा रही है वो सबसे बड़ा खतरनाक बनता है आज एक्सीडेंट के मुख्य कारण, जो गाड़ी को साइड लुकिंग ग्लास से देख नहीं पाता है। उसमें हमने निवेदन कंपनी को भी दिया हूँ, महिंद्रा कंपनी के और लॉजिस्टिक कंपनी को भी दिया हूँ, आपके कलेक्टर महोदय साहब को नागपुर में दिया हूँ, ट्रैफिक विभाग में भी हमने संजय जाधव सर से बात किया हूँ, MIDC पुलिस स्टेशन में
उन्होंने बोले हमको एक निवेदन दीजिए, निवेदन पे हम कार्रवाई करेंगे। एनबीसी न्यूज़ के लिए बाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।